का ये पहला सोमवार है और बाबा भूतनाथ का दरबार है, ये देखिए। और बाबा के दीवाने आज कोरोना को थोड़ा सा भूल गए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी संख्या में जो श्रद्धालु है वे मास्क लगाए हुए हैं, कुछ एक नहीं भी लगाए हुए हैं, और यहाँ की व्यवस्था बनाए हुए हैं और भीड़ को रुकने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर लगातार भीड़ चलायमान है।
कर रही भीड़ है। चलो बेटा चलो, जय भोले की। आज जय भोले की सावन के पहले सोमवार पर जय हो गुड्डू भैया, जय हो पाताल देवी मैया के द्वार पर। यहाँ माँ के केस गिरे हैं, इनको पाताल देवी इसलिए बोलते थे कि ये नीचे हैं जी, तो इसलिए इनको पाताल देवी बोलते थे। लेकिन आदमी को जानकारी नहीं थी, वो पाताल देवी के चक्कर में था। लेकिन यहाँ पे माँ कात्यायनी शक्ति पीठ है जहाँ उनके केस गिरे हैं जी। सिद्ध पीठों में एक ये है यहाँ पे जी। और हमारी बहनें यहाँ पर हैं कुछ, और वो कुछ अपनी भक्ति प्रदर्शित करना चाह रही थी। हमारे भैया भी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। श्री राधे, श्री राधे। और हमारी मैया भी है, ये देखिए सब यहाँ पर। श्री राधे, श्री राधे। और बोले हम भोले। माँ के दर्शन अच्छी तरीके से हुए सबको जी, बिल्कुल। जय हो। सब प्रसाद ले लें भैया, आइए बहुत सुंदर से भजन के साथ एक बार और कह दो हर हर। आइए बहुत सुंदर से भजन
Thank you.
भगवतेश्वर नाथ महादेव की। आइए दोबारा से फरमाइश आइए, आदरणीय योगेश खत्री जी कितनी आई यही से हमारे बीच है, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ जी सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुभाष पहलवान जी कौन से कॉलेज से, मुझे सर कॉलेज में सुभाष पहलवान जी कहाँ है, गेट पे आ जा, गेट पे आ जा, हम मुझे सकते हैं थोड़ी शांत कर दियो। हाँ पांचवा नंबर पुरुष वाले का, हाँ पांचवा दिलीप भाई थोड़ी सी आवाज बढ़ा के अरदास करते हुए सभी बाबा भोलेनाथ के मंदिर में अरदास जरूर करिए, जो अरदास करेगा उसके चरणों की बाबा भोलेनाथ की शीश झुका के सब कुछ मांगेगा उसको जरूर मिलेगा, प्रेम से नहीं बुद्ध सर महादेव की। आइए गाओ भी आओ बैठने का काम नहीं है भोले बाबा के दरबार में, आनंद का काम है ये, आनंद ये सावन का पहला सोमवार बाबा भोलेनाथ के स्वर की
जो दूसरों को चंदन लगाता है उसके हाथों में चंदन की महक रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके तो मस्तक पर भी है। हाँ जी, क्या कहोगे आज आप? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, पूरी श्रद्धा भक्ति से भोलेनाथ का ये त्योहार है और इसको ऐसे बनाइए जैसे होली दीपावली हमारे यहाँ बनती है। ये भी एक त्योहार है हमारा। भगवान भोलेनाथ के चरणों में करने के बाद राधा रानी को स्मरण करते हुए चलेंगे और आनंद के साथ झूमते हुए साढ़े चार से
अंदर ये हमारे ब्रज का है, भोले बाबा का बहुत सुंदर किस्सा है, आइए इस किस्से का आनंद लें। बहुत सुंदर भजन बाबा भोलेनाथ के चरणों में, ये महाराज का भजन है। जब भगवान शिव मथुरा वृंदावन में महाराज में आए, एक बहुत सुंदर सा भगवान शिव ने श्रृंगार किया, जो आज भी हमारे बहुत सुंदर श्रृंगार के रूप में आज भी आपने बलिदान करते हैं। आइए बहुत सुंदर सा भजन, एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा के कह दो, हर हर महादेव की। आइए बहुत सुंदर सा भजन, जब भोले बाबा खत्री आगे लेकर भगवान के महाराज की सभी भेजा, लेकिन किसी ले स्त्री के अलावा पुरुषों को निमंत्रण नहीं मिला, तो भगवान भोलेनाथ एक बहुत सुंदर सा दर्शन देने के लिए महाराष्ट्र में शामिल हुए। इसलिए बहुत सुंदर सा भजन बाबा भोलेनाथ के चरणों में, बाबा भोलेनाथ नर से बन गए नारी, आई महाराष्ट्र बहुत सुंदर ध्यान से सुनिए। भगवान शिव के महाराज सहित जीतू बच्चा सुंदर किस्सा बाबा भोले इस रूप में चले भोले बाबा। आइए बहुत जूझना पड़ा है आज आपको है, क्या कह रहे हैं, कभी कभी ऐसा करा भी लेते हैं बोले ना हो। Thank you.
जयकारा बहुत प्यारा, बोल भोले बाबा की जय। गले सबों की एक जयकारा बहुत प्यारा, तो भोले बाबा कहने लगे एक जयकारा बीच में और सुबह मेरे मुख से निकल गया था कि शिवालयों में भक्तों की भरमार है। वास्तव में आज हमसे बोले कि आप आरती नहीं देखे, आरती में क्या हाल था भैया, प्लीज ध्यान दो। अभी आप सभी को हमें ये कहना है कि आप सभी को बहुत सावधान रहना है, समझ रहे हैं आप नहीं, अपना मास्क और जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करना है और जो शासन के दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप आपको चलना है। और बाकी डेली डेली तो आपको कोई मास्क लगाने आएगा नहीं। और गुड्डू भैया ने एक बात कही थी यहाँ पर, गुड्डू भैया प्लीज मेरी आप बात सुन रहे हैं, आपने ये कहा था भूतनाथ के दरबार में कि जब एक रुपए की गोली सिर का दर्द दूर कर सकती है तो फिर दो रुपए का मास्क कोरोना क्यों दूर नहीं कर सकता है, क्यों? तो इसी बात पे थोड़ा सा कुछ अब आपको जो संदेश हमें देना था वो तो दे दिया हमने, है ना, आपको भी देते रहना ये संदेश सभी को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और खुद भी पालन करना। आशु भैया क्या कहेंगे आज आप, बड़े दिनों के बाद मिले हैं। जो आपने कहा है वही बिल्कुल सत्य बात है, एकदम जो आप कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। जय हो, मेरे दबाव में तो नहीं है आप, क्या कह रहे हैं आप सच से बताइए, मेरे दबाव में आप? जो आप कह रहे हो बिल्कुल हकीकत है, हमको सावधान रहना अति आवश्यक है। जय हो, और अब एक जयकारा लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत आप गंभीर हो गए थे, कोरोना की किसी ने याद तो दिलाई आपको, नहीं तो सोमवार पर पहले सोमवार पर सब कुछ भूल गए थे आप लोग, है ना, क्यों दूरी भी भूल गए थे आप और मास्क जरूरी भी भूल गए थे, आगे नहीं भूलना। और आज जब घर जाओ आप नहा धो लेना, थोड़ा सा पसीना बहुत बहाया है आज आपने, है ना, और कहीं से कोई आपका संक्रमण आया होगा, आप तो डेली नहाते धोते होंगे, क्यों? आदेश आदरणीय योगेश चतुर्थी जी, कोरोना काल में चलते हुए बाबा भोजेश्वरनाथ के मंदिर में कोई कोरोना नहीं है, एक बार प्रार्थना करें भोजेश्वर महादेव की जय हो। फिर भी सावधान रहना, जहाँ धर्म है वहाँ शक्ति है, ये कोरोना तो बेकार की भक्ति है, इसको मत डरिए, अपने मास्क को लगा के रखिए, जैसे मोदी जी पालन कहते हैं वैसे करते रहिए, भोजेश्वर महादेव सब कोरोना का महायज्ञ है, भोजेश्वर महादेव की। भला सवाल किया है ना, सब माया के बंधन झूठे, सच्ची है एक तेरी भक्ति, उसने जग को जीत लिया है, जिसे मिली है तेरी शक्ति। तो इसी बात पे क्या कहेंगे आज हम, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भोले बाबा के दरबार में, कुछ कहेंगे आप अपने जहन में कुछ रखते हैं, बताओ कोई भजन भोले बाबा का आपको आता है, जल्दी बताइए, लीजिए माइक लीजिए, भोले बाबा की, और ये रुपए कृपया जी जल्दी से कृपया। हेलो नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम
निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिराकाशि माताशु वासं भजेऽहम् निराकार मोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतित मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार पारं नतो शंकर मंदिर में भक्तों जपे नाम शिव का भजन उनके गाए आप ये तो हर हर तो शंकर भगवान की और दोनों हाथ खोल के बोलो बोली बन बैठे बोली बन बैठे बोला घुंघटा